करते हुए कहा है कि इससे जो युवा निकलेगा रिटायर होगा, अगर बीजेपी दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड लगाना हो तो अग्निवीर को प्राथमिकता देंगे, इस पर उनको निशाने पर लिया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? नहीं, अब समझ में आया कि दरअसल अग्निपथ योजना दरअसल है क्या। कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने वही बात कही है जो भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना के मसौदे के तहत तैयार किया है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि हम अग्निवीर से जो रिटायर होगा उसको हम भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में गार्ड की नौकरी देंगे। तो अब समझ में आया कि अग्निपथ योजना दरअसल भारतीय जनता पार्टी के 5-स्टार दफ्तरों में गार्ड की भर्ती की महत्वाकांक्षी योजना है जिसको मोदी जी ने लागू किया है। इस देश के लिए इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि सेना में भर्ती होने वाला व्यक्ति जो सेना की तैयारी करता है, शहादत का जज्बा रखता है, देश की सरहदों की हिफाजत का जज्बा रखता है, उसको किस दिशा में ले जा रही है भाजपा कि उससे भारतीय जनता पार्टी के 5-स्टार ऑफिसर्स की सुरक्षा करवाएगी। आप इनकी मंशा समझिए। कल से परसों से कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि सेना को अपमानित करने वाली योजना है ये, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना है ये। अब सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। देश के युवाओं को इस अपमान का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, खुल करके विरोध प्रकट करना चाहिए, अहिंसक तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी से, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि क्या जो सेना में सरहद की हिफाजत का जज्बा रखता है उसके लिए आपकी भावना यह है कि आप उससे ऑफिसर की सुरक्षा करवाएंगे, उसे गार्ड की नौकरी देंगे? इस देश के युवा इतना अपमानित करोगे आप युवाओं को? कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान शर्मनाक है, भाजपा को इस बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। एक सवाल और है सर, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्र नीति को कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहे, ये रिफॉर्म की बात है, सेना की बात है, और विपक्ष जो है वो हिंसा की न सिर्फ उकसा रहा है बल्कि राजनीति कर रहा है। कौन सा रिफॉर्म है ये जिसमें आप 4 साल बाद रिटायर हुए बच्चों को गार्ड की नौकरी देंगे अपने ऑफिसर में? ये रिफॉर्म है या ये अपमान है? ये सीधे सीधे देश के युवाओं का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी जो डैमेज कंट्रोल करना चाहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप करके, वो अब डैमेज कंट्रोल होने वाला नहीं है। देश का युवा गुस्से में है, भारतीय जनता पार्टी को ये स्कीम, सरकार को ये स्कीम वापस लेनी पड़ेगी।